जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र, क्योंकि बिना मानचित्र के अध्ययन के, बिना मानचित्र के हम यूपी स्पेशल न पढ़ पाएंगे, न समझ पाएंगे, न उसे जान पाएंगे। इसलिए जितने भी साथी मित्र ये देख रहे हैं, सबसे पहले अपने पास उत्तर प्रदेश का मानचित्र रख लें, और उत्तर प्रदेश का मानचित्र अगर है तो हम लोग ही तभी यूपी स्पेशल को पढ़ पाएंगे। यूपी स्पेशल की पूरी बड़ी वीडियो होगी और हम चाहेंगे यूपी स्पेशल के सभी तथ्यों को पढ़ लें, क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में के अलावा अन्य जितने भी उत्तर प्रदेश में परीक्षा आयोजित हो रही है उन सभी परीक्षाओं में लिए यूपी स्पेशल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर यूपी स्पेशल के दायरा की अगर हम बात करें तो इसकी थ्योरी सबसे ज्यादा अहम है, उसके बाद इसके एमसी जो एमसीक्यू है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो सवाल कूट वाले पूछे जाते हैं उनके लिए एक सब तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं उनको हम लोग अच्छी तरह से जानना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा। सबसे पहले मानचित्र को पढ़ेंगे, मानचित्र को जानेंगे। जैसे एक सवाल है जो आप सभी के मन में आता होगा और आप सभी ने इसे पढ़ा भी होगा और जानते होंगे कि सबसे पहले जान लीजिएगा उत्तर प्रदेश के चार जिले पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में। तो मेरा सवाल आप सभी से है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है। तो सबसे उत्तर में अगर जिला बने नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर सहारनपुर है, देख लीजिएगा सबसे नॉर्थ का जो जिला है वो आपका सहारनपुर है। इसी प्रकार आप बताइएगा भारत का सबसे सॉरी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और इसका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने हैं वो जरूर बताएंगे। अगर पूर्वी जिले की बात करें तो ये बलिया है, ठीक है। सबसे ईस्ट का जो जिला है वो आपका कौन सा है, बलिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखेगा और बताइएगा। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया, सबसे पूर्वी जिला और सबसे उत्तरी जिला। मेरा फिर से सवाल है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें एक छोटा सा जिला है ललितपुर, ललितपुर के बारे में कुछ बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, लेकिन उसके पहले ललितपुर को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम लोग इस बात को पढ़ेंगे, जानेंगे कि जो ललितपुर जिला है ये मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ, किससे, एमपी से लिखते चलेगा मानचित्र को पूरा देखते चलेगा, ये मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला, कितनी तरफ से, तीन तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पूरी तरह साफ दिख रहा होगा, पूरा स्पष्ट दिख रहा होगा और इस पर भी हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सबसे शायद पता हो गया होगा। सबसे बड़े जिले की अगर बात करें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि सर सबसे बड़ा जिला क्या है, तो लखीमपुर खीरी, जी हाँ सबसे बड़ा जिला है। ये क्या है, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। मानचित्र को देखिएगा क्योंकि मानचित्र के आधार पर हम पूरी सीरीज को पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है, क्या आप लोग को दिख रहा है कहाँ पर मानचित्र में, शायद आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रही होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इतना जरूर बताएगा कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, पता चला हम आपको पढ़ाते चले और आपको समझ में ना आए। तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल, मेरा जो सवाल था नेपाल, नेपाल से कितने जिले सीमा स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा नेपाल से सात जिले, सात जिले स्पर्श करते हैं, ठीक, किसके, यूपी के, यूपी के सात जिलों की सीमा नेपाल से स्पर्श करती है। एक सवाल आपके एक लाइन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू सीरीज में पूछा जा सकता है कि आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि नेपाल मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिलों का स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाती है वो नेपाल के साथ, नेपाल तो विदेश है ना, तो वहां से सात जिलों के साथ सीमा बनाती है। अब सातों जिलों का नाम आपको याद होगा क्योंकि परीक्षा में एक सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से किसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती, किस जिले की, या निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा साझा करती है। चार कूट दे देगा, एक बी सी डी ई एफ, उसे बताएगा एक दो तीन चार, तीन दो चार एक, पाँच एक छः, इस तरह के कूट आपके परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो जितने भी साथी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे सेशन को पढ़ रहे हैं, वे सभी साथी जरूर जवाब देंगे। अगला अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे महराजगंज। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जो महराजगंज है, देखिए यहाँ पे मैं कोट करते रहूँ, एक हो गया आपका महराजगंज, महराजगंज की जो सीमा है ये नेपाल को स्पर्श करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिद्धार्थनगर, आप यहाँ पे देखिएगा दूसरे नंबर पर है सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर की जो सीमा है ये भी किसको स्पर्श करती है, ये भी नेपाल को स्पर्श करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे रुक जाइए मैं मानचित्र यहाँ पर थोड़ा सा एक और मानचित्र शायद अगर आप जरा कॉमेंट करिएगा कि साफ स्पष्ट आ रहा है कि नहीं। देखिए एक हो गया नेपाल, हो गया तो नेपाल सीमा एक महाराजगंज, दूसरा हो गया सिद्धार्थनगर, तीसरा हो गया बलरामपुर, चौथा हो गया ध्यान से देखिए गए श्रावस्ती, चौथा क्या हो गया श्रावस्ती, फिर पांचवें नंबर पे आता है बहराइच, ये जो नेपाल की सीमा को साझा करता है, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी छह हो गया, फिर पीलीभीत जो है वो सात। तो ये सात जिले जो है ये नेपाल को स्पर्श करते हैं। यहाँ पे सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी स्पेशल की सीरीज है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा ऐसे सेशन को, ऐसे सीरीज को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से समझना है।
जहां आपको समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे, हम आपके सभी तथ्यों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल यूपी के कितने जिले को, 7 जिलों को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे अगर लिखित परीक्षा होगी आपका, डिस्क्रिप्टिव होगी, तो यहाँ से पूछा जाएगा, देखिए ये वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है, अगर इधर से अगर हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। तो अगर वेस्ट से बढ़ेंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, तो ये 7 जिले हो गए जो आप लोगों को साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है कि कौन सा यूपी का जिला है जो सबसे ज्यादा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा को साझा करता है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। दूसरा सवाल है, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो केवल एक जिले की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले को स्पर्श करती है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप इलर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक, इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में, ये पूरी थ्योरी की क्लास होगी और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा कॉपी कलम के साथ। तो यहाँ पर आपने एकदम देख लिया कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बदायूं, जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि कितने लोग को यहाँ पे बदायूं दिखा। जो बदायूं की सीमा है वो सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने, सबसे ज्यादा, तो जो बदायूं है सबसे ज्यादा सीमा को स्पर्श करता है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि बदायूं की सीमा किन किन, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि जो बदायूं की सीमा है किन किन जिलों को स्पर्श करती है। आइए मैं एक एक करके बताता हूं कि जो बदायूं है उसकी सीमा किन किन जिलों को स्पर्श करती है। सबसे पहले देखिएगा, एक नंबर पर यहाँ पे बरेली, बरेली को स्पर्श करती है। दूसरे नंबर पे रामपुर को स्पर्श करती है। तो क्या हो गया, बरेली, रामपुर। तीसरे पे संभल, तीसरे पे क्या है, संभल। चौथे पे क्या है, अलीगढ़। और फिर आपका है कासगंज पांचवें पर, छठे पर है फरुखाबाद। ठीक है, सातवें पे देखें तो शाहजहांपुर, कहां पे है, शाहजहांपुर है। तो देख रहे हैं यूपी के लिए 7 जैसे लग रहा है कि एकदम लकी नंबर है। 7 क्या है, लकी नंबर है। तो बदायूं 7 जिले की सीमा को स्पर्श करता है जिसमें बरेली, रामपुर, संभल, अलीगढ़, कासगंज, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, ऐसे प्रमुख 7 जिले हैं जिनकी सीमा बदायूं को छूती है, जो सबसे लंबी और सबसे ज्यादा सीमा रेखा स्पर्श करती है। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि एक जिले की सीमा किसको स्पर्श करती है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ललितपुर। ललितपुर की सीमा केवल केवल झांसी को स्पर्श करती है, माने उत्तर प्रदेश का ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले को स्पर्श करती है। क्या यूपी का कोई और ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले की सीमा को स्पर्श करे। दूसरा सवाल आता है, उत्तराखंड, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो उत्तराखंड है, जो उत्तराखंड है वो कितने जिलों को सीमा को स्पर्श करता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड कितने जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड अगर हम बात करें तो ये 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिले को, 7 जिले की सीमा को स्पर्श करता है, 7 जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 7 जिले जो है उनको ये स्पर्श करने का काम। ठीक है, अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, आइए 7 जिलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहां पर होगा, देखिए एक नंबर एक पर है सहारनपुर, नंबर एक पर क्या हो गया, सहारनपुर। दूसरे पर हो गया बिजनौर, देखिए मुजफ्फरनगर भी यहां पर है, मुजफ्फरनगर भी है दो नंबर पे। एक पे सहारनपुर, दूसरे पे मुजफ्फरनगर, तीसरे पर बिजनौर, चौथे पर मुरादाबाद, पांचवें पर रामपुर, छठे पर बरेली और सातवें पर पीलीभीत। तो यहां पर हमने देखा जितने भी लोग हैं तो ये उत्तराखंड से जुड़े हुए 7 जिले हैं जिन्हें आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप इन्हें याद कर सकते हैं, इनके क्रम को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। क्योंकि जो रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, जब लिखित परीक्षा में जाएंगे, तो ऐसे सवाल आपके थ्योरी के लिए पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के 7 जिला साझा करते हैं। उन जिलों के नाम है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, वैसे आपकी मर्जी। अब एक सवाल आता है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है
उसका नाम क्या है। तो सभी लोग जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर। उसका नाम क्या है? सहारनपुर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग को यहाँ पर सहारनपुर दिख रहा है। तो यह है आपका सहारनपुर। जो सहारनपुर है ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है और सहारनपुर तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम तीन राज्य की बात करें, अगर हम ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें कि सहारनपुर तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यहां पर होगा एक उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड आपको दिख ही रहा है। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर क्या आपका हरियाणा। तो यहां पर देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, माने उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वो तीन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। एक छोटा सा सवाल है और सवाल का उत्तर भी इसी प्रश्न में मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य किस जिले से जुड़ा हुआ है। तो जरा आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करती है। तो सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर हम बात करें यूपी की सीमा, यूपी की सीमा 8+1, ठीक, 8+1 9 राज्यों को स्पर्श करती है, उसमें सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है। तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो आपकी किसकी है जरा बताइएगा, हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। ऊपर यहां पे देखिएगा, मैं आपको दूसरे मैप में दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर अगर मैं मानचित्र की बात करूं तो यहां पे देखिए छोटा सा यही है, देखिए मैप में यह है आपका। एक मिनट में इसको जूम आउट करता हूं, जब जूम आउट करूंगा ना थोड़ा सा आपको एकदम साफ नजर आएगा। एक मिनट देखिएगा, एकदम आराम से आप लोग देखिएगा, एकदम स्पष्ट। देखिए यह है आपका सहारनपुर, यह है आपका सहारनपुर। सभी लोग लिखना चाहते लिख लीजिए, वैसे आपका यह हो गया आपका सहारनपुर। सबसे छोटा यहाँ पे देखिए ऊपर है, यह है हिमाचल प्रदेश। किसकी सीमा रेखा है? यह हिमाचल प्रदेश, छोटा सा माने सबसे छोटा सीमा साझा करती है सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा सभी लोग, हिमाचल प्रदेश। क्या आप लोग को मानचित्र में एकदम साफ दिख रहा है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, और किस जिले के साथ? सहारनपुर के साथ। और सबसे लंबी सीमा जो साझा करती है वो मध्य प्रदेश है, माने उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा जो है हिमाचल प्रदेश है। ये पूछता है किस राज्य से, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मानचित्र के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं और बिना मानचित्र के हम और आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की तरफ अगर हम बढ़े, तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। तो सबसे छोटा जिला क्या होगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके सभी साथी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको इस मैप में दिखेगा हापुड़। सबसे छोटा जिला क्या है? हापुड़। देखिए मैं यहाँ पे बाहर करके लिख दे रहा हूँ हापुड़। अच्छा मैं दूसरे मानचित्र में चलता हूँ ताकि आपको देखिए यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला अगर हम बात करें तो एकदम ध्यान से अगर आप देखेंगे आपको हापुड़ दिखाई देगा। जरा दिखाइए इसमें, इस मानचित्र में आपको कहीं हापुड़ दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में जाइए कमेंट कर बताइएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बागपत दिख रहा है, गाजियाबाद दिख रहा है, बुलंदशहर दिख रहा है, बादाम दिख रहा है, मथुरा, इटा, आगरा, तो हापुड़ कहां पे है बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं बताइए। यहाँ पे इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है ना, गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध, ये देखिए पुराना मैप है। अब हम आते हैं नए मैप में, तो यहाँ पर देखिए इस मैप में नहीं था क्योंकि बाद में जिला जुड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हापुड़, यहाँ पे क्या दिखा आपको? हापुड़, जो सबसे छोटा जिला है। क्या है ये? यूपी का सबसे छोटा जिला है जहाँ सबके परीक्षाओं में सवाल आते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर हम और आगे चले इस मानचित्र के सेशन में, क्योंकि मानचित्र का सेशन काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण है, तो यहां पर उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को साझा करता है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। एकदम इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम बात करें, जो शायद आपको ही पता होगा, कुल 11 जिलों को छूता है। कितने? 11 जिलों को छूता है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश एमपी, ध्यान से देखिएगा, एमपी 11 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, 11 जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट करके बताएं कि वे 11 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि 11 जिले वो कौन कौन से हैं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। और अगर हम बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र जिला एक ऐसा है, सोनभद्र जिला है जो 4 राज्यों से घिरा। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। एक बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। माने उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ऐसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, मानचित्र में एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि आगरा से लेकर सोनभद्र तक पूरी 11 जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। लेकिन सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पहला हो गया यहाँ पे बिहार, फिर हो गया झारखंड, फिर हो गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहां पर हो गया मध्य प्रदेश। तो जो सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, ये 4 राज्यों की सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके अलावा, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले को छूता है। तो यहां पर हो गया आगरा, ठीक, एक आगरा हो गया, दूसरा आगरा, एक इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि आगरा से लेकर सोनभद्र तक मध्य प्रदेश कुल 11 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश के कितने जिले को स्पर्श करता है, तो अगर राजस्थान की बात करें तो 2 जिलों को छूता है। एक है आपका मथुरा, दूसरा है आपका आगरा। तो जो राजस्थान है ये उत्तर प्रदेश के 2 जिले की सीमा को साझा करता है, जिसमें राजस्थान और आगरा, और राजस्थान मथुरा और आगरा। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वे इस कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। अच्छा, जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बिहार कितने जिले की सीमा को साझा करता है। बिहार उत्तर प्रदेश के कितने जिले के साथ सीमा साझा करता है, सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी साथी इस सेशन को पढ़ रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो पहला पे हो गया सोनभद्र, आपको भी दिख रहा है, दूसरे पर हो गया चंदौली, तीसरा हो गया गाजीपुर, ठीक, चौथा हो गया बलिया, पांचवा हो गया देवरिया, छठा हो गया कुशीनगर। तो जो बिहार है ये उत्तर प्रदेश के 6 जिले की सीमा को साझा करता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो मानचित्र से जुड़ा हुआ जो प्रमुख तथ्य था वो आप लोगों को कमेंट करके मैंने बता दिया, इस वीडियो सेशन में मैंने बता दिया। तो अब जरा कमेंट करिएगा कि जितने भी साथी इस सेशन को पढ़ रहे हैं, क्या उनको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रश्न है, कहीं कोई सवाल है, तो पूछ सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, जो दोनों उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, और पांचवें पर अगर हम बात करें तो गुजरात है। उम्मीद करते हैं यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था वो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग फटाफट अंदाज में जाएंगे और पूछ सकते हैं कि जहां पर किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, बताएं।
उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है मध्य प्रदेश। यहां तक उम्मीद करते हैं सबके कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब किसी के मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहा होगा, अब किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। अगर है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा ताकि हम सभी भी आपके साथ आगे बढ़ें और इस नए सेशन के साथ ये देखने का प्रयास करें कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्रमवार उसे पढ़ेंगे, इसके लिए एकदम परेशान ना हो आप लोग। हम एकदम हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर बनाते चलेंगे और कोशिश करेंगे जो पूरा टॉपिक है वो आपको पूरा बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 जिले जैसे जो है मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर है, NCR में शामिल करने हैं जो प्रस्ताव 5 जिले शामली है, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, हरनपुर, इनके भी प्रस्ताव रखे गए हैं कि भैया इनको भी NCR में शामिल किया जाए। ठीक है, अब जरा कमेंट करके बताइएगा यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तब हम इस सेशन को और आगे की तरफ ले चलें। देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं चाहूंगा आप लोग इसका इसके बारे में जरूर जानिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत प्रांत है। उत्तर प्रदेश भारत का एक सीमांत प्रांत है जो भारतीय मानचित्र पर, अगर आप इसके अक्षांश रेखा की बात करें तो मैं यहाँ पे इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जैसे किसी को भी यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार से लेकर कहीं कोई समस्या न जन्म ले। देखिए, अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो जो इसका उत्तरी अक्षांश है वो 23° 52' है और से लेकर 30° 24' उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और अगर हम इसके देशांतरी की बात करें तो पूर्वी देशांतर में है तो 77° 5' पूर्वी देशांतर से लेकर 84° 38' पूर्वी देशांतर के बीच आए। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है कुल 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर है, सॉरी 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, ठीक है, अगर हम इसका नॉर्थ टू साउथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो दूरी है 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल आता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया में, विश्व में ब्राजील के बाद 6ठे स्थान पर आता है। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो पूरे दुनिया में ब्राजील के बाद 6ठे स्थान पर आता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर देश की जनसंख्या में देखा जाए तो लगभग 16.17% का योगदान देता है, जबकि क्षेत्रफल की बात करें तो 7.33, माने भारत के क्षेत्रफल का दुगुना जनसंख्या देने, दुगुना से भी ज्यादा जनसंख्या देने का काम करता है। दूसरा सवाल आता है जिसके लिखते चलेगा, जिनको सीरियस होकर पढ़ना, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ना चाह रहा है लर्निंग विद दुर्गेश साथ, उनके लिए वीडियो, उनके लिए सेशन काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पे जानिएगा कि 1 जनवरी 1936 से इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहते हैं, 15 फरवरी 1970 से इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा, 22 मार्च 1902 से संयुक्त प्रांत अवध और आगरा हुआ, 1 अप्रैल 1910 से ये संयुक्त प्रांत कहलाया, 1 अप्रैल 1946 से स्वायत्त स्थिति प्रांत हुआ, 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, माने 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हो गया, 1 नवंबर 1956 से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के साथ विभाजन होता है, जो 13 जिलों के साथ अलग राज्य बना उसका नाम उत्तराखंड हुआ, माने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बना? एक नया राज्य बना उत्तर प्रदेश को तोड़कर, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। अगर राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 1858 तक आगरा राजधानी रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की 1858 तक आगरा राजधानी थी, लेकिन 1858 से लेकर 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी, पूर्व का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, और तब का भी प्रयागराज था। 1921 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी लखनऊ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे। एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, कूट वाले पूछे जाते हैं, जो आप लोग भी जानते होंगे कि प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो विधायी राजधानी वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कानपुर है।
आर्थिक और औद्योगिक राजधानी कानपुर है और धार्मिक राजधानी वाराणसी है। तो जितने भी साथी मित्र इसको पढ़ रहे थे, जिन्होंने इसको समझा जाना है, वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको तथ्य जो हम लोगों ने पढ़े, जो हमने पढ़ाए, वो आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं आया है तो फिर हम और आगे पढ़ाएंगे और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो जरा कमेंट करके बताइएगा क्या है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सभी सभी जरा कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिए यहाँ पे इस नए मानचित्र में देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वह है आपका शामली। सबसे पश्चिमी जिला है वेस्ट शामली, और सबसे पूर्वी जिला जो है वह आपका क्या है? ईस्ट बलिया। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है आपका? मैं यहाँ पे एक तरफ से लिख दे रहा हूँ, रुक जाइए, शायद आपको पढ़ने में समझने में और आसानी लगे। देखिए अगर मैं जिलों की बात करूँ, ऐसे जिलों की बात करूँ तो यहाँ पर ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में जो पूर्वी जिला है वो आपका बलिया हो गया, ये हो गया आपका बलिया। जो पश्चिम में वो हो गया शामली, ठीक है। अगर हम उत्तर जिले की बात करें तो सहारनपुर है, मतलब ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब साउथ की अगर हम बात करें तो सोनभद्र है, यहां पर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ना यहां तक कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल से सात जिलों की सीमा स्पर्श करती है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बैराज, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। 8 राज्यों के नाम अगर हम बात करें तो क्या आपको याद है वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सीमा किन 8 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाती है, और किसके साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो नेपाल के साथ, जिसकी सीमा 7 जिलों को छूती है, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है। हरियाणा से 6 जिले जुड़े हुए हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें हरियाणा से, तो शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से 2 जिले हैं। उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ बात करें तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है जो दिल्ली से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगर हम बात करें वही हरियाणा से, अगर वही हरियाणा से बात करें, अगर मैं यहां से हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा निर्धारक नदी है वो यमुना, माने हरियाणा जो है यूपी और हरियाणा के बीच जो सीधा सीमा साझा करती है वो यमुना नदी है। राजस्थान से सटे 2 जिले उत्तर दक्षिण अगर हम बात करें आगरा और मथुरा है। मध्य प्रदेश से 11 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, जो मैंने अभी इस वीडियो में डायग्राम बना के बताया, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो कुल ये 11 जिले हैं जो मैंने उत्तर से दक्षिण तक का क्रमवार रूप से बताया, और इस मानचित्र में भी आप देख रहे होंगे। यहां से अगर बात करें आगरा से लेकर सोनभद्र तक, बिहार से 7 जिले स्पष्ट करते, मैंने वहां पे भी 6 जिले बताया था, सॉरी यहां पे देखिए बिहार से कुल 7 जिले सीमा स्पष्ट करते, शायद कोई इसमें से कौन छोड़ गया, अच्छा महाराजगंज इसमें छोड़ गया था। इसमें देखिए अगर हम बात करें बिहार से तो यहां पे देखिए महाराजगंज की सीमा है 7, यूपी की सीमा जो बिहार से लग रही है वो 7 है, 7ों के नाम मैंने यहाँ पे बता दिया। एक सोनभद्र है बिहार से, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है, ठीक है। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये बिहार से सटे हुए 7 जिले हैं। तो आपने देखा 7 जो है ना यूपी के लिए बड़ा लकी नंबर चल रहा है, मतलब यूपी के लिए देखा जाए तो एक लकी नंबर भी है 7, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता हो गया। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र सटा है, झारखंड से सोनभद्र सटा है, मैंने सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश। उम्मीद करते हैं यहां तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें जो भी मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से समझाई और स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया।
आप जरा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर जिलों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, हरियाणा, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मैंने एकदम क्रमवार रूप से मैंने बता दिया, ठीक है। उत्तराखंड की भी मैंने बता दिया, बिहार मैंने बता दिया, झारखंड का भी मैंने बता दिया, तो कुल 9 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, 8 राज्य प्लस दिल्ली के साथ ही प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब जरा कमेंट करिएगा सभी साथी कि आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई, अब किसी के मन में कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ ताकि हम लोग और आगे चलें, ताकि अन्य तथ्यों पर भी हम लोग फोकस करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहूंगा हम लोग क्या करेंगे, हमेशा थियोरी पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम थियोरी के साथ साथ भी आपके साथ आगे बढ़े और चीजों को और बढ़िया से क्लियर करते चले। यहां तक कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो सेशन को देख रहे थे सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करिएगा कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया।